सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। गाइस कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब बढ़िया होगे और अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया कर रहे होगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गोवा का एक ऐसा बीच साइड रिजॉर्ट जो कि बहुत अच्छा बना हुआ है और आपके बजट में भी होगा। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिजॉर्ट और ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस ये है मार्क्वेस बीच एंड रिजॉर्ट, ये कैंडोलम बीच की साइड पे है। यहाँ पे अंदर आते ही सबसे पहले आपको पार्किंग मिलती है और पार्किंग से आगे आते ही सबसे पहले आपको रिसेप्शन मिलता है जहाँ पे आप अपना चेक इन और चेकआउट करते हैं और यहाँ पे आपको वेटिंग एरिया मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। वहाँ से आगे आते ही सबसे पहले आपको पूल दिखाई देता है जो कि बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ये पूल तीन साइड से रूम से कवर किया गया है और इसके एक साइड जो है वो बीच की तरफ जाती है जो कि बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे रेस्टोरेंट कहाँ पे है और कैसा है, उसके बाद हम चलेंगे बीच की तरफ। यहाँ पे आपको पूल साइड पे बैठने के लिए काफ़ी सारी सिटिंग मिलती है जहाँ पे आप थोड़ा बहुत बैठ कर रिलैक्स भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको फूड और ड्रिंक्स भी अलाउ है। यहाँ से आगे आने पर आपको रेस्टोरेंट मिलता है जो कि बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको इंडोर सीटिंग और आउटडोर सीटिंग दोनों मिलती है जिससे आपको व्यू भी काफ़ी अच्छा मिलता है और यहाँ पे आपको खाने की भी काफ़ी वैरायटी मिलती है जो कि टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी होती है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं हम बीच की तरफ और देखते हैं यहाँ से बीच कितनी दूर है। तो गाइस बीच यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है और यहाँ पे होटल वालों ने ही एक बीच साइड रेस्टोरेंट बनाया हुआ है जिसका खाना काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर आपको होटल की साइड से ही काफ़ी सारी सीटिंग मिलती है जहाँ पे आप बैठकर आराम से रिलैक्स कर सकते हैं और यहाँ पर आप खाना पीना भी मंगवा सकते हैं। और अगर आप बीच से होके आते हैं तो आपको यहाँ पे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम मिलते हैं। इस होटल के इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों काफी अच्छे बनाए हुए हैं और नेचर फ्रेंडली भी हैं। तो चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे रूम कैसा है और यहाँ पे और क्या क्या फैसिलिटीज हैं।
और यहाँ पर आपको पूल साइड एक बार मिलता है जहाँ पे आप अपनी ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने रूम की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे कैसे रूम्स मिलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रूम आपको काफ़ी लग्जीरियस मिलता है और काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ से आपको व्यू भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो गाइस यहाँ पे अब जिम और स्पा की फैसिलिटीज भी हैं, तो चलिए देखते हैं कि वो कहाँ पे है और कैसी है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे स्पा जो है वो काफी अच्छा बनाया हुआ था और उसी हिसाब से यहाँ पे जिम जो है वो भी काफी अच्छा बनाया हुआ है। तो गाइस ये था हमारा मार्केस बीच एंड रिसोर्ट। ये आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।